विचित्रदेशाश्चैलूषा पाठशाला पाकशाला कलाशाला मनोरमा व्यायामशाला संगीत रंगशालाश्च निर्मिता। अभी भी कोई रायगढ़ जाकर के देखेगा तो वहां के खंडर बने हुए महलों को देख करके, वहां के जगदीश्वर के मंदिर को देख करके और छत्रपति के लिए बनाई हुई सभा को देख करके पता चल जाता है कि कैसी विशाल और कैसी अद्भुत दृष्टि उन सब लोगों की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को आज्ञादी माने मुहूर्त निश्चित हुआ, ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी का यह दिन है, अंग्रेजी दिनांक की भाषा में बोलना हो तो 6 जून 1674 शनिवार सूर्योदय का समय यह सब निश्चित किया गया और छत्रपति शिवाजी महाराज मां की आज्ञा लेकर के सबसे पहले भगवान परशुराम जी का दर्शन करने के लिए गए। भगवान परशुराम जी की पूजा की जिनका वहां पर मंदिर है, फिर भवानी माता की पूजा करने के लिए गए। देव पूजाओं के बिना, देवताओं की आराधना के बिना शिवाजी ने कोई काम नहीं किया। भगवती भवानी की अत्यंत एकाग्रता से वे आराधना करते हैं। जगदम्ब नमस्तुभ्यम परमेश्वर वल्लभे रुद्धये सर्वसौख्यानां सिद्धये सर्वकर्मणां आया ही चंडिके देवी। भगवान शिव और भगवती शक्ति की आराधना शिवाजी कर रहे हैं। अथोदितायां सुतितौ चतुर्थ्यां ज्येष्ठे शुभे मासि शुक्ल पक्षे प्राप्ताभिषेकस्य शिवस्य गागा भट्टश्चकार व्रतबंधमादौ। केवल राज्याभिषेक के विधान का वर्णन करना हो तो भी उसके लिए विपुल समय की आवश्यकता है मित्रों, क्योंकि राज्याभिषेक का विधान जो आरंभ हुआ है और जिसकी पूरी पद्धति गागा भट्ट ने स्वयं तैयार करके प्रकाशित की हुई है, यह कुल मिलाकर के 7 दिनों का विधान था। उसके पूर्व सारे प्रायश्चित किए गए। छत्रपति शिवाजी महाराज का उपनयन संस्कार किया गया क्योंकि विधान के अनुसार होना है। जैसे तैसे किसी को सिंहासन पर बैठा दिया और मुकुट लगा दिया, यह राज्याभिषेक नहीं है। राज्याभिषेक का अर्थ पहले समझो। जैसे हम एक पाषाण की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उस पाषाण की बनी हुई प्रतिमा के उसके संस्कार होते हैं जो कि हमने सारे के सारे करवाए, रामलला के सारे संस्कार ध्यान रखना उत्तमोत्तम 125 वैदिक विद्वानों ने किए और दिनांक 21 जनवरी को आकर के कांचीपीठ के पूज्य शंकराचार्य महाराज ने पूर्ण किए, सारे न्यास किए, देव शक्तियों का आवाहन है। ये जैसे पाषाण की प्रतिमा में होता है और प्रतिमा जागृत हो जाती है, उसी प्रकार राजा के देह में देवताओं के कलाओं का आवाहन है। चिकना चुपड़ा करके उसको बैठा दिया ऐसा नहीं है। यह शरीर उस दैवी तेज को धारण करने के लिए योग्य होना चाहिए। ना विष्णु पृथ्वी पति ऐसा जो कहा जाता है, साक्षात भगवान विष्णु की उसमें आराधना है, उसमें आवाहन है, जैसे प्रतिमा में आवाहन है। तो उसके लिए उस शरीर को उपवास करके, अब लंबा विधान मैं बोलता नहीं हूं, इन 7 दिनों में महाराज को उपवास करने पड़े हैं। पहले तो उनका उपनयन संस्कार हुआ, उपनयन संस्कार के पश्चात उनका पुनर्विवाह हुआ उन्हीं पत्नियों के साथ, क्योंकि संस्कारों का एक क्रम है, विवाह हुआ। उसके पश्चात उनके अनेक उपवास हुए। इन दिनों में उनका भूमि शयन है, भूमि के ऊपर शयन करना है उनको,
कुश बिछा करके उसी के ऊपर सोना है, अनेक प्रकार के मंत्रों का जप उनको करना है, विभिन्न प्रकार के दान उनके द्वारा दिए गए। एक 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 दिन का पूरा विधान मेरे सामने है, जो महाकवि श्री वर्णेकर जी ने अपने शिवराज्योदय में पूरा दिया है। और उसके पश्चात विभिन्न प्रकार की मृत्तिकाओं में उनका अनुलेपन करके स्नान है। ये मृत्तिकाएं कहां कहां से आई है, कितने तीर्थों से आई है, कितने तीर्थों का जल आया है, ये सारा वर्णन है। और ये सब शिवाजी महाराज का संस्कार चला है। फिर अनेक प्रकार के लेपन करके उनका स्नान है। गोमूत्रम गोमयम गव्यम क्षीरम दधिघृतं तथा कुशोदकंच सर्वांगे मंत्र घोषैः समंजितम्। उसमें पंचगव्य का स्थान है, कुशोदक का स्नान है, सब कुछ है। और ये स्नान अलग मंडप में कराया गया। महाराज को स्वयं भिन्न प्रकार के अमात्यों ने आकर के अनेक पदार्थों से स्नापित किया। कुमारिकाएं वहां पर अपने हाथ में आरतियां लेकर के खड़ी है, लोग जय ध्वनि कर रहे हैं। और इसके पश्चात महाराज स्वयं अब धनुष बाण लेकर के चले। सिंहासन के ऊपर विराजमान होता है तो धनुष बाण उनके साथ होने चाहिए, इसलिए चले। एक प्रश्न का उत्तर यहां पर मैं आपको देना चाहता हूं। यहां पर पधारे हुए सब लोगों का सुंदर वर्णन है, उसमें समर्थ रामदास स्वामी का वर्णन नहीं है। और इसका कारण है, समर्थ रामदास स्वामी ने स्वयं अपने को अनुपस्थित इसलिए रखा कि राज्याभिषेक के दिन राजा ही सबसे प्रधान होना चाहिए। मुझे वहां पर रह करके अपनी बड़ाई संसार को दिखाने के बजाय दूसरा एक काम करना चाहिए। वे क्या कर रहे थे उस दिन, जरा कान खोल करके सुन लो, गुरु का काम क्या होता है। उस दिन चापड़ के राम मंदिर में उन्होंने, ये सारा इतिहास बोल रहा हूं, वे चापड़ के राम मंदिर में हैं, और उन्होंने 1000 हरिजन दाम्पत्यों को बुलाया है, हरिजन दाम्पत्यों को बुलाया, उनकी स्वयं रामदास स्वामी ने पूजा की, उनको वस्त्र अलंकार स्वयं प्रदान किए अपनी ओर से, उनको मिष्टान्न भोजन कराया। अरे सारी प्रजा को लगना चाहिए कि आज मेरा राजा सिंहासन पर बैठा है। जैसा पूरा देश में वातावरण हो गया ना, मेरे राम आएंगे वैसे शिवाजी महाराज विराजेंगे, इस प्रकार का वातावरण संतों ने निर्माण किया। राजा अपना लगना चाहिए। और ऐसी अवस्था में जब वह महान योद्धा योद्धा के रूप में चल पड़ा सिंहासन की ओर, एक एक कदम रखते हुए शिवाजी महाराज सिंहासन के समीप आते हैं, वे सिंहासन पर विराजेंगे। समर्थ रामदास स्वामी ने गीत क्या गाया है, वे कहते हैं, वाह सपनी जे पाहिले होते ते ते तैसे चिहोत से हिंडता फिरता गेलो आनंद वन भुवनी। अरे सारे संसार में आनंद आनंद और आनंद छाया, कल्पांत मांडला मोठा म्लेच्छ दैत्य बुढ़ा वया। इन दैत्यों का नाश करने के लिए आया हुआ ये मेरा शिव प्रभु, कई पक्ष घेतला देवी आनंद वन भुवनी, बुढ़ाला औरंग्या पापी बुढ़ाले सर्व ही पापी हिंदुस्तान बड़ावले अवक्तांता क्षयो झाला आनंद वन भुवन। ये लंबा काव्य है उनका आनंद वन भुवन। क्या क्या सोचा था, क्या क्या देखा था, आज मेरे सारे सपने पूरे हुए और आज हमारे शिवाजी महाराज भी सिंहासन पर विराजमान हुए। और जय घोष हुआ राजाधिराज छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवरायांचा दिवार जय जयकार, दिवार जय जयकार, छत्रपति शिवरायांचा
दीवार जय जयकार, दीवार जय जयकार। पूजा बांधो सामर्थ्याची, पूजा बांधो सामर्थ्याची। इच्छा पूर्ति श्री शिववाची, इच्छा पूर्ति श्री शिववाची। उठता उर्मी समर्पणाची, कायोडे पडणार, कायोडे पडणार। छत्रपती शिवरायांचा दीवार जय जयकार, दीवार जय जयकार। छत्रपती शिवरायांचा दीवार जय जयकार। शिवरायांचा दीवार जय जयकार, दीवार जय जयकार। छत्रपती शिवरायांचा दीवार जय जयकार, दीवार जय जयकार। प्रभात झाली शिवशाहीची, प्रभात झाली शिवशाहीची। जाणीव होईल कर्तव्याची, जाणीव होईल कर्तव्याची। हे प्रतिज्ञा एक तुटीची, नको आता माघार, नको आता माघार। छत्रपती शिवरायांचा दीवार जय जयकार, दीवार जय जयकार। आपके ध्यान में आना चाहिए, शिवाजी महाराज ने अपने हाथ से सुवर्ण का हल चला करके पुनः पुणे की स्थापना की और गणपति का मंदिर सबसे पहले बनाया, उस दृश्य को यहाँ पर साकार किया। छत्रपती शिवरायांचा दीवार जय जयकार, दीवार जय जयकार। हिंदवी स्वराज्याचे तोरण, हिंदवी स्वराज्याचे तोरण। बांधुनिया गाजवी समरांगण, बांधुनिया गाजवी समरांगण। आई भवानी प्रसन्न हो, प्रतिज्ञा कर रहे हैं हिंदू साम्राज्य की स्थापना। आई भवानी प्रसन्न हो, देई साक्षात्कार, देई साक्षात्कार। छत्रपती शिवरायांचा दीवार जय जयकार, दीवार जय जयकार। छत्रपती शिवरायांचा दीवार जय जयकार। धर्माचा अभिमानी राजा, धर्माचा अभिमानी राजा। देशाचा संरक्षक राजा, देशाचा संरक्षक राजा। चारित्र्याचा पालक राजा, घडवी देशोद्धार, घडवी देशोद्धार। छत्रपती शिवरायांचा दीवार जय जयकार, दीवार जय जयकार। छत्रपती शिवरायांचा दीवार जय जयकार, दीवार जय जयकार। छत्रपती शिवरायांचा दीवार जय जयकार, दीवार जय जयकार। पूर्ती केंद्र हे भारतीयांचे, पूर्ती केंद्र हे भारतीयांचे। दैवत अम्मा नव तरुणांचे, दैवत अम्मा। मध्य प्रवर्तक संघटनेचे सदा विजय होणार, सदा विजय होणार। छत्रपती शिवरायांचा दीवार जय जयकार, दीवार जय जयकार। छत्रपती शिवरायांचा दीवार जय जयकार, दीवार जय जयकार। छत्रपती शिवरायांचा दीवार जय जयकार, दीवार जय जयकार। छत्रपती शिवरायांचा दीवार जय जयकार, दीवार जय जयकार।
आनिक धाले आनिक हो तिलक पीक धाले आनिक हो तिलक राजे असंख्या जगती राजे असंख्या जगती परी न शिवा समान होई ना या अवनी वरती या अवनी वरती छत्रपति शिवरायांचा शिवार जय जयकार शिवार जय जयकार छत्रपति शिवरायांचा त्रिवार जय जयकार त्रिवार जय जयकार छत्रपति शिवरायांचा त्रिवार जय जयकार 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की जय 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 रघुवीर समर्थ एक वीर मराठे की गाथा सुन श्रद्धा भर आई है जय शिव बा प्यारा मेरा जय शिव बा प्यारा मेरा एक वीर मराठे की गाथा सुन श्रद्धा भर आई है जय शिव बा प्यारा मेरा 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 शिवाजी महाराज की जिसके रग रग में देश प्रेम की बहती रही थी धारा बहती रही थी धारा जिसके रग रग में देश प्रेम की बहती रही थी धारा बहती रही थी धारा जिसके विचार थे हिंद स्वराज को है अखंड बनाना जय शिव बा प्यारा मेरा 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 एक वीर मराठे की गाथा सुन श्रद्धा भर आई है जय शिव बा प्यारा मेरा 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 खून खोलता देश द्रोह दिख जाए देश द्रोह दिख जाए जिसकी नस नस का खून खोलता देश द्रोह दिख जाए देश द्रोह दिख जाए वो गुलामियों की जंजीरों में कभी न बंधना चाहे जय शिव बा प्यारा मेरा 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 एक वीर मराठे की गाथा सुन श्रद्धा भर आई है राजा के हाथ में तिलक करने के पश्चात धर्मदंड देने का काम गुरु को करना होता है सभी के गुरुदेव पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज शिवाजी महाराज को धर्मदंड प्रदान कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।